Hey, what is up guys? Welcome back to another video. तो यार होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे. बढ़िया तो भाई लाइक करके बता दो ना आप सब लोग बढ़िया हो करके, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा. ठीक है, आर यू कॉमेडी मी? तो लाइक करके बता दो कि आप सब लोग बढ़िया हो. तो गाइस मैंने देरी की, करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट. सो लेट्स बिगिन एंड चलते हैं आगे. सो गाइस आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक किस बारे में होने वाला है. जी हाँ गाइस, आपने सही देखा है. अगर आपने देखा है तो थंबनेल को, ये जो वीडियो है हाइपर रियलिस्टिक क्लोथ्स के बारे में होने वाला है. सो गाइस आपने एज यूजली कर लेना है ऑडियंस को ड्रॉ, उसमें जितने भी उसमें फोल्ड वगैरह एंड हाईलाइट्स वगैरह इस तरह के जगह पर आपको जितने भी हैं सभी कुछ मतलब ड्रॉ कर लेना है आउटलाइन में. देन आफ्टर उसमें सबसे पहले इसमें तो मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ. हाईलाइट जहाँ पर जैसे एरियाज है वहाँ पर 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ. एंड फिर उसमें सबसे लाइट पेंसिल का यूज़ करके सब में पूरे में सेटिंग कर रहा हूँ. एंड जहाँ पर हाईलाइट्स वगैरह हो वहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ. एंड उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि आउटलाइन का 10 यूज़ कर रहा हूँ. जहाँ पर सबसे ज़्यादा डार्क है डेप्थ एरियाज, उसको उसमें दोबारा से मतलब उसमें ड्रॉप कर ले रहा हूँ. फिर उसमें ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ करके उसमें पूरी तरह से ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ. एंड जहाँ पर डेप्थ एरियाज है वहाँ पर कुछ ज़्यादा थोड़ा सा प्रेशर का भी यूज़ कर रहा हूँ. एंड नॉर्मली आपको मतलब बाकी जगहों पर जो है ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना है. एंड अकॉर्डिंग टू वीडियो आपने मतलब चलते रहना है, इसी तरह से आपको बनाते रहना है. आप अगर गाइस हाईलाइट्स के लिए पेंसिल इरेजर या मोनोजूरो इरेजर में से कोई भी बाइक करने जा रहे हो तो गाइस उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर मतलब मैंने पहले भी एक बार मैंने मोनोजूरो इरेजर जो है वो बाय किया था. एंड जो उसका इरेज करने वाला इरेजर होता है उसके अंदर वो काफ़ी छोटा सा था एंड वो काफ़ी मतलब जल्दी भी ख़त्म हो गया था मेरा. एंड उसके बाद मैंने लिया था पेंसिल इरेजर का. एंड गाइस उसको लेने के मतलब उसमें मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला क्योंकि गाइस उसमें एक 3 पीसेस मिल गए मेरे को. एंड जो मोनोजूरो इरेजर उससे काफ़ी बड़ा भी था, इसीलिए गाइस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा. एंड मतलब मैंने अपने हिसाब से मैंने आपको बता दिया. एंड आपको जो सही लगे मतलब आप उनमें से कोई भी आप बाय कर सकते हो. मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो सा सही लगे आप वो बाय कर सकते हो. एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेप्थ एरिया है जो है वहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ डार्क पेंसिल का यूज़ करके. आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है. एंड उसके बाद उसमें लाइट पेंसिल का यूज़ करके पूरे में जितने अभी मैंने ड्रॉ किया उतने में पूरे में जो है सेटिंग कर रहा हूँ लाइट पेंसिल का यूज़ करके. एंड उसके बाद मैं इसमें ब्लेंडिंग भी कर दूँगा कॉटन से या ब्लेंडिंग स्टंप से. एंड आपने जहाँ पर डार्क एरियाज है डेप्थ एरियाज है उस जगह पर आपको सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल का यूज़ करना है. जैसे कि आउटलाइन का 10B या 8B आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो. मैंने इसमें आउटलाइन का जो 10B है उसको यूज किया. सो गाइस जो इनकी टी शर्ट है इनकी जैकेट से काफ़ी लाइट है, दैट्स वाई मैं इसमें लाइट पेंसिल का यूज़ करके काफ़ी कम प्रेशर से इसमें मैं पूरे में सेट कर ले रहा हूँ. एंड उसके बाद ब्लेंडिंग कर ले रहा हूँ. बट हाँ गाइस मैं इसमें जो ब्लेंडिंग कर रहा हूँ काफ़ी कम प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इनकी जो टी शर्ट है काफ़ी लाइट है. अगर मैं इसमें भी ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करके इसमें ब्लेंडिंग करने लग गया तो ये भी काफ़ी डार्क लगने लगा. दैट्स वाई मैं इसमें लाइट अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकल. ओके कम प्रेशर का यूज करके इसमें ब्लेंडिंग कर रहा हूँ. एंड गाइस आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं इसमें किस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ. जैसे कि मैंने पहले भी बोल दिया है कि आप वीडियो को अकॉर्डिंग इसमें जो है समझ लेना जहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बोलने में. तो गाइस आपने जहाँ पे डेप्थ एरिया से यहाँ पे मतलब आपने कुछ नोटिस किया, मैं यहाँ पे सबसे पहले डार्क जहाँ पे डार्क एरिया से उसको ड्रॉ कर रहा हूँ. एंड उसके बाद उसमें लाइट पेंसिल का यूज़ करके जो है पूरे में सेटिंग कर रहा हूँ. एंड उसके बाद मैं जहाँ पर मैंने डार्क पेंसिल का यूज़ किया वहाँ पर फिर मैं ब्लेंडिंग स्टंप से ब्लेंड कर ले रहा हूँ. अब मैं बिल्कुल इसी तरह से कर लेना है. अगर आप इस स्टेप को फॉलो करोगे तो मतलब काफ़ी अच्छे से जो आप क्लोज जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे. जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं. अगर आपको भी अच्छे लग रहे हैं तो कॉमेंट करके बता दो मेरे को. एंड गाइस फिर आपने उसमें पूरे डिटेलिंग्स वगैरह सब कुछ करने के बाद उसमें जो है ब्लेंडिंग स्टंप का यूज़ करके ब्लेंड कर लेना है उसमें. एंड उसके बाद आप उसमें
ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंडिंग करने के बाद उसमें कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग करने के लिए। पूरे में कहीं कहीं पर नहीं, पूरे में कर लेना है क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा लगता है। मैंने भी इसमें बाद में ब्लेंड कॉटन का भी यूज किया था ब्लेंडिंग करने के लिए, राइट साइड तो पूरे में जो है कॉटन का यूज़ किया था फिर ब्लेंडिंग करने के लिए। कई देखा मेरी एक्चुअल स्पीड जो है बहुत ही स्लोली थी। आपने बिल्कुल स्लोली करना है, फास्ट नहीं करना है। आपने जितना उसके उतने टाइम आपने ड्राइंग को दे देना है, चाहे कितने ही लगे टाइम उसमें, एक दिन दो दिन तीन दिन, मतलब आपको अपना 100% दे लेना है अपने ड्राइंग को। तो यार गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा करके कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, एंड साथ ही साथ लाइक भी जरूर कर देना क्योंकि आपके एक लाइक एंड एक कमेंट से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे कुछ अच्छा करने की। तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, एंड बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अरे अपना डायलॉग गाइज मैं भूल गया, अपना डायलॉग बोलो क्या बोलो। आपको वीडियो पसंद है तो करना कमेंट लाइक शेयर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।